और अब इससे पहले कि मैं आपसे इजाजत चाहूँ, मैं अपने मुल्क की हुकूमत से, अपने मुल्क के काबिल एहतराम वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी से और उनके करीबी साथियों से जो डिसीजन लेने में उनके साथ होते हैं, वो कौन है ये तो वही जाने, उनसे भी कहना चाहता हूँ, क्या अब भी वक्त नहीं आया कि आप नजरसानी करें, आप सफर का रुख बदलें? मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी से कहा था उनके घर पर बैठ के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, और मैंने उनसे कहा था कि आप के बारे में बहुत पॉजिटिव सोच है लोगों में, मुसलमानों तक में, लेकिन आप जिस पार्टी में हैं उस पार्टी का जो एजेंडा है वो मुसलमान महसूस करते हैं और दूसरे देश के का हित चाहने वाले लोग कि उस पार्टी का साथ नहीं दिया जा सकता। मैं उन लोगों में से हूं। जनाब वजीर आजम साहब, मिस्टर नरेंद्र मोदी, खुदा करे कोई एजेंसी कम से कम मेरे इस स्पीच का, दर्द भरी बात का ये हिस्सा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचा दे। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से टू हिम, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, जब आप 2014 में 2014 में पहली बार आप इलेक्शन के मैदान में कूदे थे और जीतकर दिल्ली आए थे, तो उस वक्त मैंने अपनी मंथली मैगजीन का एक एडिटोरियल लिखा था और मैंने उसमें लिखा था कि जो कुछ आपके बारे में सुनता हूँ उससे ही सुनता हूँ कि आपके अंदर निर्णय लेने और फैसला लेने की शक्ति है। आप हिचकिचाते नहीं, आप हेजिटेट नहीं करते, आप डबल माइंडेड नहीं होते, जो ठान लेते हैं कर गुजरते हैं। और मैंने कहा था कि नफरत के रास्ते से वो अब जिस बुलंदियों तक पहुंचना चाहते थे वो इस इलेक्शन में पहुंच गए, यानी अब वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो अब मुझे उम्मीद है कि अब वो नफरत के रास्ते की उनको जरूरत नहीं रह गई। वो एक सियासी मजबूरी थी शायद, जिसके तहत वो जिस सीढ़ी पर चढ़कर वो यहाँ तक पहुंचे हैं। अब वो जब देश की बागडोर संभालेंगे तो मुझे उम्मीद है कि देश के विकास की तरफ तवज्जो देंगे और सबको करीब करेंगे, इकट्ठा करेंगे। और चूंकि उनके अंदर एक डिसीजन लेने की शक्ति है, तो मुझे उम्मीद है कि अब मुल्क शायद उसका डायरेक्शन बेहतर हो और डेवलपमेंट की रफ्तार बेहतर हो। मगर फारसी का मिसरा है कि ऐ बसा आरज़ू के खाक शुदा, कितनी तमन्नाएं हैं जो बिल्कुल पूरी नहीं होती। मेरी ये तमन्ना भी नहीं पूरी हुई और फिर अब हम देख रहे हैं तमाशा। कि आपको इस मुल्क को इस मुसीबत से बचाने में कितनी दिलचस्पी है ये देखने की कोशिश करने के बावजूद नजर नहीं आ रहा, और इलेक्शन जीतने से कितनी दिलचस्पी है ये आंख बंद करो तब भी नजर आता है। मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आता कौन सा कानून इस बात से रोकता था कि आप इलेक्शन को थोड़ा आगे बढ़वा दें। मैं कानून के जानकार नहीं, अगर कोई कानूनी मजबूरी थी तो क्या एक ऑर्डिनेंस के जरिए से, अगर इस वक्त सेशन नहीं चल रहा पार्लियामेंट का, आप ऑर्डिनेंस के जरिए से उस कानून में तब्दीली करके आप इलेक्शन को आगे नहीं बढ़ा सकते थे? हजारों लाखों की जिंदगियों को जहन्नम में ढकेल दिया, चाहे वो स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन हो और चाहे पंचायत का चुनाव हो। यहाँ तक के चेन्नई हाई कोर्ट की बेंच ने ये तक कह डाला कि इलेक्शन कमीशन को कटहरे में खड़ा करना चाहिए और मर्डर का केस उन पर चलाना चाहिए। मुल्क की तारीख में आज तक इलेक्शन कमीशन के बारे में ऐसे रिमार्क्स पास नहीं किए गए। एक जमाने में हमारे इलेक्शन कमीशन की दुनिया में शोहरत थी कि नॉन पार्टीसन, बिल्कुल गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन। मगर क्या कर दिया आपने? सारे इंस्टीट्यूशंस को एक अजीब गरीब अंदाज का आपने लिबास पहना दिया। मोहतरम नरेंद्र मोदी जी, कामयाब नहीं होंगे आप। मैं आपके एहतराम के साथ बहुत पॉजिटिव अंदाज से कहने जा रहा हूँ, खुदा की लाठी, ऐसा लगता है कि खुदा ने अपनी लाठी उठा ली है। ढील देता है खुदा लेकिन जब उसकी वो पकड़ करने का फैसला करता है तो उसकी पकड़ बहुत सख्त होती है। पूरी इंसानी तारीख हर कुछ दिन के बाद इसकी एक गवाही पेश करती है। तारीख के डस्टबिन और खंडर में हजारों बड़े से बड़े जालिम और बेरहम डिक्टेटर्स की खोपड़ियां मौजूद हैं। क्या है खुदा के सामने किसी मुल्क की ताकत, किसी हुकूमत की ताकत? और क्या ये अच्छा लगेगा? मैं आपको नहीं कहता, मैं नाम भी नहीं लेता, मुझे पता भी नहीं है, तो खुदा को पता है कि किन लोगों के जराइम की सजा पूरे मुल्क के बेगुनाहों को भी भुगतनी पड़ेगी, इसलिए कि सुना है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसते हैं। प्लीज प्लीज कुछ बड़ा फैसला कीजिए, ऐलान कर दीजिए कि अब हम एक नए भारत के निर्माण करेंगे जिसमें सब को बुलाइए और एक नॉन पार्टीसन, सबको बुलाइए, मुख्तलिफ समाजों के जो मुखलिस और अच्छे लोग हैं उनको बुलाइए। मैं हाजिर हूं आपको मशवरा देने के लिए, जिस लायक भी हूं। इस मुल्क की कश्ती को भ्रमण से निकालना इस वक्त सबसे बड़ा नेक काम है, और मैं उसी नेकी के नियत से आज ये बातें रिकॉर्ड करा रहा हूं। वरना ये महीना इबादत का महीना है, लेकिन इबादत ही का नहीं, ये महीना खिदमत का भी महीना है, गमगुसारी का भी महीना है, शेयरिंग एंड केयरिंग का भी महीना है। इस पूरी जो पैंडेमिक है, पैंडेमिक नहीं बल्कि और खुदा जाने क्या है, सुनामी है, सुनामी। ये सुनामी दरअसल ये कह रही है कि अपने उठे हुए सरों को उस मालिक के सामने झुका दो, मान लो कि वो सबसे बड़ा है। ये उसकी किबरियाई का ऐलान है। अमेरिका की हुकूमत फेल, यूरोप की हुकूमत फेल, सारे साइंटिस्ट और सब फेल, और अब हमारा देश घुटने के बल पड़ा हुआ है, कुछ नहीं कर पा रहे हम। इस खुदा की ये आवाज सुनिए। मैं बड़ी हमदर्दी और मोहब्बत से आपसे भी कहता हूँ, और आपके जरिए से पूरी कौम तक खुदा करे कि आवाज पहुंचे। हम नहीं कहते कि आप हमको बड़ा मान लें, बिल्कुल नहीं, हम बराबर के लोग हैं, लेकिन अपने और हमारे रब को बड़ा मान, अपने रब को बड़ा मान। तू अगर मेरा नहीं बनता, न बन, अपना तो बन। तू अगर मेरा नहीं बनता, न बन, अपना तो बन। मेरी आवाज में, लबो लहजे में, अल्फाज में आपको अगर कुछ सख्ती महसूस हो गई हो तो मैं एक दर्दमंद शहरी की हैसियत से आपसे माफी मांगता हूँ। आप वजीर आजम हैं, आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, और काश कि आप यकीन करें, अब तो मेरे दिल से दुआ नहीं निकल पा रही कुछ अरसे से, मैं एतराफ़ करता हूँ, लेकिन जब आप शुरू में आए थे तो मुझे याद है कि मैंने ये दुआ मांगी थी मक्के और मदीने में कि खुदा ये शायद एक बहादुर आदमी है और कुछ ठान लेता है तो करता है, इसी के जहन को जरा सही रुख पर चला दीजिए। सिर्फ मुसलमानों के लिए बिल्कुल नहीं, पूरे मुल्क की सही तरक्की के लिए रहबरी इसी कर दीजिए। आज आप अगर इंसाफ का रास्ता इख्तियार कर लें तो सबसे पहले आपको सपोर्ट करने वाला सज्जाद नोमानी होगा। इस मुल्क की मोहब्बत में मैं न जाने क्या कुछ कह गया। सब सुनने वालों, सुनने वालियों से का शुक्रिया भी अदा करता हूँ, सबसे माफी भी मांगता हूँ, और सबसे दुआओं की गुजारिश भी करता हूँ।